आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की राइट नो आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि ये इंसान जो है पास्ट में आपकी तरफ आने के लिए डर रहे थे। इन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ की थी जिसके कारण ये इंसान डर गए थे। उनको लगा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है या आप इनसे बहुत नाराज़ हो, इसीलिए आपकी तरफ आने के लिए डर रहे थे। मेंटली बहुत स्ट्रेस थे, लेकिन अब उनकी ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में कि आपकी तरफ कैसे आना है, आपको मैसेज भेजना है, कॉल करना है, आपके साथ कम्युनिकेशन कैसा करना है, ये इंसान के दिमाग में अब ये चल रहा है। सन की एनर्जी यही दर्शाती है कि ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, आप उनके लिए बहुत खुशी लाते हैं उनके लाइफ में, आपके साथ ये इंसान जो है खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है आप में जिससे ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। इनके जो नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ऑल मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ऑल आप एक मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हैं या ऐसा इंसान जिसके साथ आप ये आपका जो रिलेशनशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल के कमिटमेंट पे लेके जाना चाहते हैं। ये इंसान जो है अब जब आपकी तरफ आएंगे तो जो सिक्योरिटी आपको चाहिए है, जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए है, ये आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे।